हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज यार हम देखने में थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, तो ऑलरेडी 9:20 और 9:30 पर मैच बंद हो जाएगा। तो चलो भाई जल्दी से हम चलते हैं सबसे पहले मैच की तरफ। और बाकी यार हमने आज हम दिल्ली जाने के बारे में और व्हाइट बोर्ड पर कुछ चीज़ें रखी हैं जो हम डिसाइड करते हैं आज हम करेंगे। सुबह जल्दी देखना उसमें क्या, तो नहीं जा पाए अभी। चलो सबसे पहले जल्दी से हम मैच में जाते हैं। सो गाइस, डन विद द ब्रेकफास्ट। अभी मैं वापस रूम में आ चुका हूँ। एंड एक्चुअली आपको मेरे रूम के अंदर व्हाइट बोर्ड दिखा होगा, 75 डेज ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल यहाँ पर लिखा हुआ है। और कुछ तो बड़ी सी टेबल बनी हुई, नीचे भी कुछ 10 डेज लिखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ में क्रॉस है, कुछ में सर्कल्स है, तो ये कुछ कुछ तो चल रहा है अभी। ठीक है, आज के इसी ब्लॉग के अंदर आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है। साथ ही इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज अनदर व्हाइट बोर्ड जहाँ पर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर हमारे दिन भर की चीजें लिखी होती है जो हमें करनी है आज। ठीक है, और कुछ कुछ टास्क वगैरह होते हैं तो वो सब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये दो व्हाइट बोर्ड हमारे पास में, किस किस चीजों के लिए व्हाइट बोर्ड को यूज किया जाता है, क्या पर्पज है, क्या अभी ये चल रहा है और क्या आगे चलने वाला है, वो सब हम आज के इस ब्लॉग में बता रहे होंगे। परंतु अभी मैं जा रहा हूँ सबसे पहले नहाने धोने, और विद इन 10 to 20 मिनट्स हम नहा धो के आते हैं। उसके बाद में आपसे अच्छे से बातें करेंगे, मुलाकात करेंगे। और यार आज से क्लासेस वगैरह भी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं होता है, तो क्लास वगैरह में हमें जाना पड़ेगा, उसका भी देखते हैं अभी हम। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं नहा के आता हूँ। सो गाइस, फाइनली नहा धो के आ चुके हैं। ठीक है, और अभी मैं अपने टेबल के ऊपर आकर बैठ चुका हूँ, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करते हैं क्योंकि अभी हमारे पास में मैथ्स क्लास में भी काफ़ी टाइम बाकी है। और क्लासेस भी अभी हमारे सुबह टोटल प्रैक्टिकल्स आज कुछ आया नहीं, मंडे इज क्वाइट अ चिल डे फॉर अस। तो अभी चलो हम मेन मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब आपको रेगुलर ब्लॉग्स वगैरह तो चैनल के ऊपर देखने को मिल ही रहे होंगे। आई एम मोर देन हैप्पी एंड एक्साइटेड टू से दिस आउट कि अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एवरी सिंगल डे आपको कोई ना कोई वीडियो मिल सके। ठीक है, एंड नाउ समटाइम्स यार कभी कभी हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, क्लासेस वगैरह होती है, तो उस चक्कर में कुछ कुछ दिन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक हो जाते हैं। तो हो सकता है उस दिन आपको ब्लॉग देखने को ना मिले, बट आई विल ट्राई कि हफ्ते में 7 दिन में से 5 दिन तो हम आपके पास में वीडियोज़ लेके आ पाएँ। उसमें कुछ एजुकेशनल वीडियोज़ भी रहेगी, कुछ हमारे ब्लॉग टाइप भी रहेंगे, और ब्लॉग के अंदर भी हम आपको कुछ एजुकेशनल कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताने की कोशिश कर रहे होंगे, रेदर देन जस्ट शोइंग यू आउट कि मैं पूरे दिन में क्या कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही है IIT के अंदर। उससे अच्छा है कि हम उन चीज़ों के साथ साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ डिलीवर कर रहे हैं जिससे आपकी भी सेल्फ ग्रोथ हो सके, हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहने वाली है। और अब बात कर लेते हैं हम इसकी, व्हाट इज़ एग्जैक्टली द 75 डेज ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, क्यों मैंने ये स्टार्ट किया, क्या है इसके पीछे का मोटिव एंड क्या चीज़ें हम इसके अंदर कर रहे होते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो बेसिकली ये 75 डेज ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल का आइडिया जो है वो मेरे दिमाग में आया था व्हेन आई वाज बीइंग एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। नाउ दोज हु आर कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, जिन्होंने मेरे दोनों अकाउंट्स को फॉलो कर रखा है, हितेश सिंह रावत हासिल विद हितेश, उनको पता होगा यार कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी। एंड 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद मुझे फाइनली 4 तारीख को डिस्चार्ज हुआ। एंड ऑन दैट डे आई केम एंड आई क्रिएटेड दिस कैलेंडर और बॉक्स टाइप फॉर मी, जहाँ पर मैं लाइफस्टाइल हैबिट्स वगैरह को ट्रैक कर सकूँ, जहाँ पर मैंने अपने कुछ जो अपने लिए गोल्स सेट करे हैं, ठीक है, उनको मैं पूरा कर सकूँ और वो पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कितनी मेरी प्रोग्रेस है, वो सब ट्रैक करने के लिए मैंने यहाँ पर ये कैलेंडर बनाया हुआ 75 डेज का। एंड मेरे सामने अभी यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए हैं, एप्पल, पॉमीग्रेनेट, बनाना, और मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी अब बिल्कुल टाइम टू टाइम खा रहा हूँ। एंड गाइज, दिस इज समथिंग विच वी शुड फोकस ऑन। ठीक है, और नीचे भी यहाँ पे आपको एक 10 डेज की स्ट्रीक दिख रही होगी, दिस इज ऑल्सो सेल्फ ग्रोथ स्ट्रीक जहाँ पे मैंने कुछ और रूल्स बनाए हुए हैं, वो मे बी मैं अपने आगे की वीडियो में आपको बता रहा हूँ। परंतु अभी इस स्ट्रीक के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द हेल्दी लाइफ स्टाइल, दिस इज ऑल्सो अबाउट द हेल्दी माइंड सेट, दिस इज ऑल्सो अबाउट द ग्रोइंग लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मेरा आपको टेबल पे ये बुक दिखती होगी, एटॉमिक हैबिट्स। सो आई रिसेंटली स्टार्टेड स्टडिंग दिस पर्टिकुलर बुक एंड दिस इज रियली अमेजिंग। जितनी इसकी हाइप वगैरह है और जितने इसके बारे में वीडियोज वगैरह बनाई गई है, यस इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड रियली गुड बुक। उसके बाद में हम भगवद गीता भी है हमारे पास में, ठीक है, तो हम भागवत भगवान को भी प्रणाम करके भगवद गीता भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमारी ये बुक खत्म होती है, जैसे ही हम थोड़ी थोड़ी हैबिट्स बिल्ड कर लेते हैं कंसिस्टेंटली, जब बुक्स वगैरह हम पढ़ना शुरू कर देंगे तब। एंड इफ यू गाइस आल्सो वांट टू जॉइन मी इन दिस पर्टिकुलर चैलेंज, जहां पर आप भी चाहते हैं यार कि आपकी भी सेल्फ ग्रोथ हो, आप रोज किसी न किसी स्किल के ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप रोज कहीं बुक पढ़ने में, सेल्फ ग्रोथ बुक पढ़ने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज डू जॉइन मी ईयर ओवर YouTube also एंड ओवर द Instagram also। तो Instagram के ऊपर मैंने एक सेपरेट पेज बना दिया इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जिसका नाम है हसल विथ हितेश, जहाँ पर हम डेली अपडेट्स वगैरह पोस्ट कर रहे होंगे। बस यही सब कुछ चीज़ें हैं, बाकी डेली ब्लॉग्स आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल ही रहे होंगे। ऑलमोस्ट हम हफ्ते के अंदर 4 से 5 दिन वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे होंगे, एजुकेशनल कंटेंट आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आ रहा होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड चलो अभी ब्लॉग के अंदर आगे बढ़ते हैं।
इट्स 2:50 राइट नाउ और अभी हम निकलना होगा क्योंकि 3 बजे हमारी क्लास है। तो चलो जल्दी से हम अपना बैकपैक करते हैं और निकलते हैं। और कल तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लाइब्रेरी में रुक लेंगे क्योंकि एलएचसी के जस्ट पास में लाइब्रेरी है, थोड़ा एसी भी चल रहा है अगर, है ना। तो अभी चलो जल्दी से निकलते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद में लाइब्रेरी में बैठ कर थोड़ी पढ़ाई करेंगे, फिर आगे हम देखते हैं शाम को मैच के टाइम पर वापस कौन आ जाएंगे। तो वह जो क्लास वगैरह खत्म होने के बाद में हम यहाँ पर आए हैं शॉपिंग करने के लिए और आप देख सकते हो एक्चुअली मैं विशाल मेगा मार्ट में हूँ अभी, ठीक है। इससे पहले मैं रिलायंस ट्रेंड्स में गया था पास में, बट रिकॉर्ड वगैरह करना भूल गया होता सब कुछ। तो अब यहाँ से देखते हैं अगर हमको कुछ पसंद आए तो। वैसे मैं पिछले 15 मिनट से घूम रहा हूँ, मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा इधर। सो मैं शॉपिंग करके आ गया हूँ एंड ये देखो, ये मैंने कर्टन लिया है, ठीक है। तो यार तो वहाँ पर तो इसकी हालत सही थी, बट मैं इसको पूरा ऐसे फोल्ड वगैरह करके लाया बहुत अलग तरीके से, तो इसके हालत अभी गिर गई है। तो हमने एक ये कर्टन लिया है, ठीक है, और एक हमने ये, क्योंकि हमारी जो चेयर है वो वुडन चेयर है तो थोड़ा सा बैठने का सही नहीं है, तो हमने ये बैठने का कुशन टाइप ले लिया है। ओके, बस मैं पूरे 1-1.5 घंटा वेस्ट करके हम ये 2 चीज़ें खरीद के लाए हैं, ठीक है। एक्चुअली हम वहाँ पे देखने तो कपड़े गए थे, बट फिर ये भी काफ़ी सही प्राइस वगैरह मिल रहा था मैंने लिया। टैग्स वगैरह आप देख सकते हो मैंने नहीं हटाया अभी, मुझे क्या पता साइज़ वगैरह में छोटा होगा या कुछ दिक्कत होगी, बट अब मैं हटा दूंगा इसको और बस यही अभी। तो पर तो आ चुका हूँ अपने सीधे सारा सामान लेके, परंतु मेरा जो बैग वगैरह है वो सब कुछ अभी लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, तो मुझे वापस लाइब्रेरी तो जाना ही पड़ेगा। सो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी मैं जिम चला जाता हूँ, थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह कर लेता हूँ। वैसे मैं थोड़ा थक गया हूँ तो सोच रहा हूँ कि ना भी जाऊँ, तो लेट्स सी जो भी होगा वो आपको ब्लॉग में आगे पता चल जाएगा। और बाकी ये हमारे पास में कुछ फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए हैं तो हम अभी देखते हैं, इट्स फ्रूट टाइम, क्योंकि मैच खुलने में लगभग अभी 1 घंटा है, ठीक है। इट्स 6:25, तो मैं सोच रहा हूँ 1 घंटे में तो हम वर्कआउट भी कर सकते हैं, जिम भी जा सकते हैं, साथ में कुछ फ्रूट्स वगैरह भी खा सकते हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं, आगे बताता हूँ आपको।